हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टाइल ऑफ क्रिएटिविटी। आज हम बहुत ही खूबसूरत से ब्रॉच बनाने जा रहे हैं। आज हम ब्रॉच जो है वो फॉन कलर, जो कि ना व्हाइट होता है ना येलो होता है, उस कलर का बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमें सैटन रिबन की जरूरत होगी। उसकी चौड़ाई जो है आप ले सकते हैं 4 सेंटीमीटर है ये, और ऐसे करके भी 4 सेंटीमीटर है। हमको एक स्क्वायर पीस चाहिए, चौकोर पीस चाहिए। आप कितना भी बड़ा, जितना बड़ा आपको बनाने का मन है आप उतना बड़ा बना सकते हैं। इसके लिए मुझे कुछ मोती चाहिए, मोती मैंने लिए हैं इसमें, और मोती के साथ मुझे कुछ इसमें नग चाहिए। नग ये मार्केट में आपको मिल जाते हैं बड़े आराम से, जहां पर भी ये ज्वेलरी का सामान मिलता है उस जगह पर ये मिल जाते हैं आपको नग। ये इस तरीके से बड़े छोटे छोटे नग होते हैं, इनको हम एडी भी बोलते हैं कितनी बार, ये उस तरीके के नग हैं। इसके लिए हमें मोती पर ये नग जो है लगाने हैं, वो इस तरीके से दिखाई देंगे आपको। अगर आप देख सकते हैं तो ये नग हमने लगा दिया है इस पे। मैं आपको भी सिखाऊंगी कैसे लगाना है ये नग। इसके लिए हमें एक सेफ्टी पिन चाहिए, और हमें जो यूज एंड थ्रो बाउल होता है उसका मैंने एक ये सर्कल कट कर लिया है। इसके लिए मुझे एक पतला रिबन भी चाहिए, बिल्कुल पतला है ये, और ये एमएम अगर हम बोलेंगे तो आधा सेंटीमीटर का कहलाता है ये। आप जिस कलर का रिबन ले रहे हैं ब्राउच बनाने के लिए, उसी कलर का आप या उससे मिलता जुलता आप ले सकते हैं। आज मैं बहुत सिंपल सा एक रिबन ब्राउच आपको बताऊंगी, तो आप ये वीडियो मेरी एंड तक जरूर देखिएगा। और प्लीज लाइक शेयर और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और कुछ नया बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक कैंडल भी जला ली है, और एक हमें प्लकर की जरूरत रहेगी पकड़ने के लिए, और हमें हॉट ग्लू गम तो हमेशा चाहिए इसमें, क्योंकि हमें बिल्कुल मजबूती से काम करना होता है। तो देखते हैं ये लीव्स हम कैसे बनाते हैं। मैं आपको इसको बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले मोती लगाना दिखाती हूँ कि मोती हम कैसे इसमें नग में मोती कैसे लगाएंगे हम। देखिए, ये हमारे पास एक व्हाइट मोती है और ये हमारे पास एक नग है। इन नग में हम जहां पर ये छेद होता है मोती में, दो जगह छेद होता है माला में पिरोने के लिए, तो हम उस जगह पर बहुत थोड़ा सा हॉट ग्लू लगाएंगे। ये हम फेविकॉल से नहीं चिपका सकते हैं, क्योंकि ये निकल जाता है। और ये देखिए, इस तरीके से हम बड़े आराम से इसको लगा देंगे। ये मैंने मोती पहले से बना के रखे हैं, इस तरीके से आप बना के पहले से तैयारी कर सकते हैं इसको। तो हमने जो ये रिबन लिया है, जितना भी बड़ा आपको बनाना है उतना ले सकते हैं। हम इसको पहले तिकोने आकार में आधे में फोल्ड कर लेंगे, हाफ फोल्ड कर लेंगे। जब ये हमारा हाफ फोल्ड हो जाएगा तो हम इसे फिर से हाफ फोल्ड करेंगे, ये इस तरीके से। तो हमारा दूसरी बार भी ट्राइंगल या तिकोना मिल जाएगा हमको। इसको फिर से हम एक बार ट्राइंगल में फोल्ड करेंगे तो ये हमारा छोटा सा ऐसे पत्ती बन जाएगी। इस पत्ती को हमने पकड़ के और इसको फिर से हम गर्म कर देंगे, हल्का सा गर्म करना है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, जिससे बस ये ज्वाइंट हो जाए सब कुछ। जितनी भी पत्ती हमारी है साइड की, वो हमारी ज्वाइंट हो जाए। और अगर अब एक बार में आपकी किसी वजह से नहीं होती है तो आप ये ध्यान रखें कि इसको दोबारा से ज्वाइंट कर सकते हैं। अब ये जो पीछे वाला पोर्शन है हमारा, ये वाला जो पोर्शन है, हम इसको कैंची की मदद से कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से कट हो जाएगा, होल हो जाता है इसमें, और वो हम होल को भी हम जो हमारी ये चिमटी है इससे पकड़ के हल्का सा हम रिबन को कर देंगे गर्म। ये रिबन को हम गर्म क्यों करते हैं, जिससे कि हमारे इसके रेशे ना निकलें। और ये देखिए, हमारी पत्ती तैयार हो गई है, और ये इस तरीके से दिखाई देंगी हमारी पत्तियां बनने के बाद। इसका बहुत खूबसूरत सा फूल आज हम ब्राउच की शेप में बनाएंगे। तो सबसे पहले हम हॉट ग्लू गन लगाएंगे इसमें, और एक साइड से हम हाफ सर्कल बनाएंगे। आप कलर कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो कलर ले सकते हैं। और इसमें हमने 3 पत्तियां ही लगानी है एक बार में, एक साइड में। इसको अच्छे से चिपकाएंगे हम, 3 पत्तियां हमने चिपका दी हैं।
देखिए ये इस तरीके से दिखाई देंगे। तीन पत्तियां चिपकाने के बाद हम दूसरी साइड भी तीन पत्तियां चिपकाएंगे। शैटन रिबन जो ये मैंने लिया है ये वन साइड वाला लिया है, जिसमें कि एक साइड में शैटन रिबन होता है और दूसरी साइड रॉ होती है, इसकी चमक नहीं होती है, एक साइड चमक होती है इसमें, क्योंकि इसमें हमें दोनों साइड दिखानी ही नहीं है, हमारा रिबन में यूज ही नहीं होनी है, तो हम ये वाला सिंपल वाला रिबन, क्योंकि ये मुड़ आसानी से जाता है। अगर आप डबल साइड वाला लेंगे तो वो मुड़ता नहीं है ठीक से, अगर आप देखेंगे तो। अब हम इसमें जो हमने ये मोती बनाए थे, ये मोती इस पे चिपकाना शुरू करेंगे। मोतियों को आपको थोड़ा ध्यान से चिपकाने की जरूरत है, क्योंकि ये मोती में जो नग लगाया है वो हमारा पूरा अच्छे से दिखना चाहिए। तो मोती में जब नग लगाते हैं हम, तो उसको भी हॉट ग्लू गम से ही लगाया है हमने, और जो हम इसमें चिपका रहे हैं इसको भी हम हॉट ग्लू गन से ही चिपकाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ये चिपका देने हैं। जो हमारी खाली जगह है उसमें भी हम मोती लगा देंगे। हम इसमें अब सेंटर में एक मोती लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो बीच वाला पोर्शन है वो खाली, बाद में कई बार हमारा मोती सेट नहीं होता है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि हमने एक साइड लगाया है, दूसरी साइड लगाने से शुरू करने से पहले ही हमने इसमें बीच में मोती को प्लेस कर दिया है, जिससे कि हमारा मोती सेट हो जाएगा इतनी देर में। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो कि अगर आप फॉलो करेंगे प्रॉपर तो आपका ब्रॉच भी बहुत खूबसूरत बनेगा। इसको जेंट्स भी यूज कर सकते हैं, लेडीज अपनी साड़ी में भी यूज कर सकते हैं, इसको हम साड़ी पिन की तरह भी यूज कर सकते हैं, और बच्चों की ड्रेसेस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। हमारे ऊपर है कि हम इसका यूज किस तरीके से करेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा ब्राउच बन गया है। अब इसमें हम कुछ डिजाइनिंग और भी करेंगे थोड़ी सी। देखिए ये मुझे यहां से लूजिंग लग रही है, तो मैं इसमें हॉट ग्लू गन को अच्छे से लगाऊंगी और इसको ऐसे करके हम थोड़ा सा चिपका देंगे आपस में सबको, जिससे कि ये जोड़ जाए सब कुछ अच्छे से। ये जुड़ गया है। अब इसमें हम यहां पर जो है इसमें जो कटिंग भी हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि हमने हाफ सर्कल लिया था, पूरा सर्कल लिया था और हमारा ये बच गया है, तो हम इसको कटिंग कर देंगे। अगर हम पहले से ही हाफ लेते तो हमारी प्लेसिंग की प्रॉब्लम आती कि हमें कितने में कहां लगाना है, इसलिए हमने पहले से कट नहीं किया है। ये पीछे से देखने से ऐसा लगेगा। अब हम इसमें जो हमने रिबिन लेना है वो रिबिन को हम ऐसे करके बो शेप में बनाएंगे। तो बो शेप में बनाने के लिए हम इतना बड़ा बनाएंगे कि ये हमारा थोड़ा सा नीचे भी दिखाई दे, तो हमने ये थोड़ी सी बड़ी काट ली है। अगर आप इसका नापा जानना चाहते हैं तो अगर हम ये कहें इसको कि हमने 3 इंच के करीब इसको एक साइड से लिया है, 3 इंच एक साइड से है और 3 इंच दूसरी साइड से है, तो आप लगभग 7 इंच के करीब ले सकते हैं। रफ आइडिया है ये, आपको जितना बड़ा बनाना हो आप उतना बड़ा इसमें ले सकते हैं। अब देखिए हम इसको ऐसे प्लेस करेंगे, तो इसमें प्लेस करने के लिए हम यहाँ पे पहले ही हॉट ग्लू गन लगा देंगे और इसको हम उसी तरीके से जैसे हमने पहले ट्विस्ट किया था बो की शेप में इस तरीके से चिपका देंगे। इसको भी हम पहले से थोड़ा सा अंदर से चिपका देंगे, जिससे कि हमारा ये डिजाइन खराब ना हो। और जो हमने हॉट ग्लू गन गम लगाया था, अब इसको हमने इसमें यहाँ पे लगा दिया। ये मैंने रेड डॉट का जानबूझ के लिया है इसको दूसरे कलर का, जिससे कि इसमें कलर ऐड हो जाता है, तो ये थोड़ा खूबसूरत ज्यादा महसूस होता है। अब ये हमारी बो है, बन गई है, लेकिन हमें ये थोड़ी सी मुझे ये बड़ी लग रही है, तो मैं इसको हम कट कर लेंगे। इसको कट करने के लिए हम ट्राइंगल शेप में कट करते हैं हमेशा, ये इस तरीके से लगभग हम कोशिश करेंगे कि दोनों एक बराबर ही रहेंगे, और ये हमारी ऐसे करके ये बो का
शेप आ जाता है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसमें हमें पीछे से ये पिन कैसे प्लेस करना है ये देखिएगा। ये जो हमारी जगह है बीच वाली, उस पर जो हमने ये कट लगाया था, ये जो कट है हमारा रिबन का, हम रिबन को पहले एक साइड से चिपका देंगे। रिबन को हमने एक साइड से चिपका दिया है ऐसे, और जब ये चिपक जाएगा तो हम बीच में से पिन को खोलकर, पिन को हमेशा खोलकर लगाना है। पिन आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। मैंने ये सिंपल पिन लिया है और ये सिंपल पिन को भी हम इसमें पहले चिपका देंगे अच्छे से। ध्यान रखिएगा जो भी डिजाइन हमें, ये बो वाला ऊपर है तो हमारा खुला पोर्शन हमेशा ऊपर रहना चाहिए। ये हमने इसको चिपका दिया। अब इसके बीच में से हम ये रिबन में भी फिर से अच्छे से गम लगा के और इसको हम चिपका देंगे ये इस तरीके से। ये देखिए, अब ये हमने देखा कि ये थोड़ा सा रिबन हमारा बड़ा लग रहा है, एक्स्ट्रा है, तो हम इसे कट भी कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से हमारी बो पीछे से चिपक गया है। और इसको अगर हम खोलकर देखेंगे तो ये पिन हमारा काम करना चाहिए, ये भी एक बार चेक कर लेंगे हम। देखिए कितनी खूबसूरत सी हमारी एक जो पिन है रेडी हो गई। अगर आपको ये अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।